हाँ जी स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर टू था ना, क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर टू हमारा एक कैश फ्लो का था। उसके ऑप्शन में थोड़ा सा मैं कहूंगा अजीब क्वेश्चन दिया उन्होंने, एक डिविडेंड निकालने का, जो कि मे भी शायद उस लेवल पे नहीं पूछना चाहिए, बट कोई बात नहीं, सिलेबस का पार्ट है, जैसा भी था वो था। तो क्वेश्चन नंबर टू ये कैश फ्लो का क्वेश्चन आया, उसमें भी सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना था। और ये जहां तक मुझे याद है ना, ये लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट ईयर, तो आप 10 ईयर में देखेंगे, ऑनर्स वाले 10 ईयर में, तो शायद आपको मिल जाएगा ये, क्योंकि मुझे याद है मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है सॉल्यूशन। तो इसके अंदर कुछ एक पॉइंट था, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना था, और इसके साथ एक बी पार्ट था जो छोटा सा डिविडेंड की सारी कैलकुलेशन बनानी थी, ठीक है। और इसके और में एक क्वेश्चन बड़े मजेदार, बहुत सिंपल फाइनल अकाउंट पूछा गया था पूरा का पूरा, और फाइनल अकाउंट में भी देखा जाए तो एडजस्टमेंट बहुत सिंपल सिंपल थे, तो मैंने दोनों का ही सॉल्यूशन कर दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। ये हमारा कैश फ्लो है, और कैश फ्लो में क्या क्या पूछा गया चलते हैं साथ में। जो जो चीजें थी सारी चीजें मैंने कर दिया यहाँ पे। डिविडेंड फिर भी इसमें मैंने ज्यादा वर्किंग नोट नहीं किया आपको समझाने के लिए, बट इनकेस सम हाउ एनी पॉइंट पे आपको लगेगा सर ये आपने ना बहुत कम बताया है और भी बताना चाहिए था, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और फिर उसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू ये हमारा सारा का सारा है, जो कि था बी पार्ट उसका, जो कि डिविडेंड वाला था। तो इसमें मैंने बिल्कुल अपने शॉर्टेस्ट वे में लिखने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिल जाए। इसको आप अगेन कहूंगा, पेपर को बेस मत मानिए, और मैं बहुत थोड़ा अगर स्क्रॉल तेज कर रहा हूँ, आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली क्या कर सकते हैं सर, सिंपली आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिंक पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेबल डाउनलोड नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे भी डाल दूं, धीरे धीरे करके हर जगह डाल दूंगा। और ये जो है ना आपका, ये थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट लगा दिया इन्होंने बीच में, थर्ड सेमेस्टर का भी हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट होगा, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर सब्जेक्ट है ऑनर्स और प्रोग्राम में दोनों में। तो आपने कॉर्पोरेट पढ़ा हुआ है इतने टाइम से, तो अगर आपको लगता है ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हैं, बाकी पहले कल एग्जाम पे फोकस करिएगा सर। ये फाइनल अकाउंट है, और फाइनल अकाउंट पे पहले स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का नोट आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप पहले बैलेंस शीट बनाइए, फिर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। सारा अमाउंट लिखा हुआ है, सभी के नोट्स, और नीट एंड क्लीन मैंने कोशिश कर रही है कि कटिंग ना करे, क्योंकि मैंने सॉल्व करके तो दे दिया है, अलग अलग मैंने किसी को दिया, उन्होंने राइट किया, इसलिए राइटिंग में डिफरेंस मिल रहा होगा, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। काफी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन था भी 24 नंबर का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था हमारा, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगेन मैं कहूंगा डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पर जाके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइव क्लास भी ले लूंगा, जो सेकेंड ईसॉप वाले क्वेश्चन है उसके लिए मैं।